और आपको पता है कि फोर्स का डेफिनेशन हमें नहीं जानना है यहाँ पर, फोर्स के डेफिनेशन के बारे में जिक्र नहीं करेंगे। हमने फोर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा कि फोर्स को मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, याद आ रहा होगा आप लोगों को कि कंजर्वेटिव फोर्स, एंड अनदर टाइप ऑफ फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इसके बारे में हम देखें। कंजर्वेटिव फोर्स में आपने पढ़ा कि एनी फोर्स ड्यू टू विच और अगेंस्ट विच अमाउंट ऑफ वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड इज नोन कंजर्वेटिव फोर्स। एनी फोर्स बाई विच और अगेंस्ट विच द अमाउंट ऑफ वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड इज नोन कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमने पढ़ा है, याद आ रही है? तो ये कंजर्वेटिव फोर्स आपने पढ़ा। इसके बाद से आपने पढ़ा कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन की जो वैल्यू होती है पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करती है। ये बात आप सुनते चलोगे, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ये हम लिखवाएंगे नहीं, हम याद दिला रहे हैं कि ये चीजें आपने पढ़ा है, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी आगे। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन समझ में आया कि कंजर्वेटिव फोर्स इज दैट फोर्स बाई विच और अगेंस्ट विच अमाउंट ऑफ वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड इज नोन कंजर्वेटिव फोर्स, यह पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर के जाना हो तो आप सीधे लेके जा सकते हो, इस पाथ से ले करके जा सकते हो, या ऐसे आप लेकर के जा सकते हो। किस पाथ से आप ए से बी पर लेकर के गए ऑब्जेक्ट को, यह पाथ के नेचर पे डिपेंड नहीं करे। अगर तो जिस फोर्स के अगेंस्ट यह वर्क होगा या जिस फोर्स के कारण यह वर्क होगा वह फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स बात तो ये समझ में आ गई यहां तक। अगली चीज आपको ध्यान देना है कि नेक्स्ट पॉइंट आपको ये समझना है कि लेकिन अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट सी से पॉइंट डी तक लेकर के जाएं, फर्स्ट पाथ, यह सेकंड पाथ, और ये जो है कि सपोज दैट थर्ड पाथ है, अलग अलग पाथ से इसके लिए वर्क डन, पाथ वन के लिए वर्क डन की वैल्यू सपोज दैट डब्ल्यू वन है, इसके लिए वर्क डन डब्ल्यू टू है, और अगर पाथ थर्ड से लेकर के जा रहे हैं तो वर्क डन की वैल्यू अगर डब्ल्यू थ्री है तो कहेंगे अगर डब्ल्यू वन नॉट इक्वल टू, डब्ल्यू वन नॉट इक्वल टू डब्ल्यू टू नॉट इक्वल टू डब्ल्यू थ्री, ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप सुन रहे होंगे मेरी बात को। अगर ये तीनों वर्क डन आपस में इक्वल ना हो तब कहेंगे कि ये फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स में आपने एग्जांपल लेकर के चला था कि कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल आप लेकर के चले थे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपने ग्रेविटेशनल प्रूफ भी फोर्स। किया था क्लास 11th में कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और सेकंड कौन सा फोर्स है, सेकंड आप लेकर के चले थे स्प्रिंग फोर्स, याद आ रहा होगा स्प्रिंग फोर्स, दिख रहा नहीं है, स्प्रिंग फोर्स भी आपने पढ़ा था, और यह भी कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और अभी जो आपने इलेक्ट्रिक फोर्स का आपने जिक्र किया है, आप लोग अपना ये ऑडियो म्यूट करो, आपने जो ध्यान दोगे क्या बतला रहा था मैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, जो अभी आपने पढ़ा पिछले चैप्टर में, यह भी कैसी फोर्स होती है, यह भी जो है कि कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दोगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल क्या था, याद आ रहा है किसी को, बतलाओगे? अभिषेक, अभिषेक
सुन रहे हो कोई लोग? फ्रिक्शनल फोर्स सर। हाँ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आप लेकर के चल रहे थे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ, इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है यह कौन सी फोर्स थी? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था। तो फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स भी आप कह सकते थे इसे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। हमें फोर्स के बारे में यहाँ पर नहीं बतलाना था, मेन हमारा मकसद जो है पोटेंशियल डिफरेंस बतलाना है। तो हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। आपने ये पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क डन सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और उस एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आप ध्यान दोगे, आपने ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अगर हम वर्क करते हैं तो यह वर्क डन सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसे हम कौन सी एनर्जी कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एक बार और आप सुनोगे कि कंजर्वेटिव फोर्स, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क डन सिस्टम में इनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और उस इनर्जी को हम पोटेंशियल इनर्जी कहते हैं। बात समझ में आ रहा नहीं है? जैसे जैसे एग्जांपल लेकर के चलें, अगर हम स्प्रिंग लेते हैं और स्प्रिंग को सपोज एस हम खींचते हैं, तो अगर हम खींचते हैं तो इसमें इनर्जी स्टोर हो जाती है, और कितनी इनर्जी स्टोर हो जाती है? 1/2 kx2। ये आपने पढ़ा है, अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तब भी इसमें एनर्जी स्टोर होती है, जितना ज्यादा कंप्रेस करते हो उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है, और वो कौन सी एनर्जी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर। उसी तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ग्राउंड से ऊपर लेकर के जाते हो अर्थ सरफेस से, तो जितनी हाइट पर लेकर के जाओगे उतनी ज्यादा इसमें एनर्जी स्टोर होगी, और इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी, mgh के इक्वल, mgh। तो ये जो है कि ये यहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हो किसके अगेंस्ट? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट। यहाँ पर भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो, तो किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब हम वर्क करते हैं तो सिस्टम में इनर्जी स्टोर हो जाती है, उस इनर्जी को हम पोटेंशियल इनर्जी कहते हैं। जैसे कैटपुल्ट लेते हैं, उसके रबर को अगर आप खींचते हो तो उसमें भी इनर्जी स्टोर हो जाती है, और ये कौन सी इनर्जी है? पोटेंशियल इनर्जी है। तो ये तो रहा कि हमने देखा कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन जो है सिस्टम में किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये बात समझ में आ गया ना? अब हमने अभी बतलाया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट विल ऑल्सो स्टोर्ड इन सिस्टम एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सपोज एस पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, यहाँ हम कोई चार्ज ले रहे हैं, सपोज एस कोई भी चार्ज ले सकते हो, हम यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, कोई चार्ज ले रहे हैं, यह प्लस क्यू चार्ज है, सपोज एस यह प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज हमने ले लिया, और अगर यहां से पॉइंट बी से पॉइंट ए तक किसी टेस्ट चार्ज को अगर हम लाते हैं, यह भी टेस्ट चार्ज सपोज एस क्यू नॉट है, और यह भी किस नेचर का है? पॉजिटिव नेचर का है। तो क्या यह प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को रिपेल करेगा? यानी कि जब इस पर अगर हम देखें तो यह प्लस चार्ज, ये जो सोर्स चार्ज है जो कि सपोज एस पॉइंट ओ पर है, यह टेस्ट चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, और यह रिपल्सिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इधर होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके, मतलब कि अगर इसके अगेंस्ट हम इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ये तो सपोज एस इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन हो गया इधर, और इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हम ले रहे हैं एफ ई एक्स टी। तो
तो ये ध्यान दोगे आप लोग। एक चीज और आपको ध्यान देना है कि पिछले चैप्टर में आपने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने पढ़ा है, देख लीजिए ये बज रहा है, ये देख लीजिए, सॉरी काट दीजिए, ये ध्यान दोगे आप लोग। मैं क्या बतला रहा था, फर्स्ट चैप्टर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ा है, ये कहीं का नंबर काट दीजिए, छोड़ दीजिए किसी का हो काट दीजिए, ले जाइए उधर बात कीजिए, नहीं तो हटा दीजिए इसको। चले ना आगे, ध्यान दोगे आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर आपने एक क्वांटिटी पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरे क्वांटिटी से हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे और वो क्वांटिटी होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका जिक्र हम कर रहे हैं, अभी हम जिक्र कर रहे थे पोटेंशियल इनर्जी के बारे में। हम जो है कि अभी पूरे पूरे अपने माइंड को केवल जो है कि फोकस कर रहे हैं पोटेंशियल इनर्जी पे। हमने देखा एक ही चीज अभी हमने पढ़ा कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क होता है, चाहे कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क डन ही सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ये जब आपने चार्ज लिया तो ये अपने चारों ओर एक फील्ड डेवलप किया, और इस फील्ड में अगर किसी भी चार्ज को रखोगे तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यह बेस चार्ज इस सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, जैसा कि यह फिगर में दिखलाया गया है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यह भी पॉजिटिव चार्ज है, यह भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यह प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। हाँ, अगली चीज आपको ध्यान देना है, अगर इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आप इस चार्ज पार्टिकल को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाना चाह रहे हो तो आपको बाहर से फोर्स लगाना होगा। तो बाहर से फोर्स आप लगा रहे हो एफ एक्सटर्नल, और इस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट, एक्सटर्नल फोर्स के कारण अगर पार्टिकल को बी से ए तक ला रहे हो, दो बात आपको कंसीडर करना है। पहली पॉइंट आपको कंसीडर करना अबाउट दिस टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड इतना लेंगे कि यह सोर्स चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाले फील्ड को अफेक्टेड न करे, मतलब कि बहुत ही स्मॉल चार्ज आपने लेकर के चला है। और सेकंड पॉइंट आप क्या कंसीडर करोगे कि जो एक्सटर्नल फोर्स हम इस चार्ज पार्टिकल पे अप्लाई करेंगे, दिस एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ओनली दिस फोर्स कैन काउंटर टू इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स को केवल यह काउंटर कर सके, इतना ही फोर्स लगाओगे और इस फोर्स के कारण यह चार्ज पार्टिकल बहुत ही स्लोली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आए, यूनिफॉर्म मोशन से आए, इसमें एक्सेलरेशन न होने पाए। एक्सेलरेशन अगर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा भी आपको जो है कि इस फोर्स के कारण वर्क निकालना पड़ जाएगा, लेकिन अगर यह फोर्स इस इलेक्ट्रिक फोर्स को केवल काउंटर कर रहा है तो इसी के अगेंस्ट वर्क होगा, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड से आपको जो है यहां से बी से ए तक लाना होगा। तो बी से ए तक लाओगे अगर, तो बी से ए तक लाने में किया गया वर्क डन, दैट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू, अब आप ध्यान दोगे, इंटीग्रल ऑफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एक्स, एफ एक्सटर्नल, ध्यान दोगे एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स, यही ना लिखेंगे, और कहां से कहां चार्ज पार्टिकल को लेकर के आ रहे हो, बी से ए तक, तो ये वर्क डन हो जाएगा कि नहीं। आप क्या करोगे कि बी से ए तक छोटे छोटे जो है कि पोर्शन में आप डिवाइड कर दोगे, और अगर स्मॉल पोर्शन डी एक्स है तो स्मॉल पोर्शन तक ले जाने में वर्क डन की वैल्यू एफ डी एक्स, तो B से A तक ले जाने में किया गया वर्क डन आपने इंटीग्रल कर दिया, और जो वर्क डन आएगा यही वर्क डन सिस्टम में किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। एक चीज आपको ध्यान देना है, आप लोग सुन रहे हो ध्यान से तो आप लोग बतलाओगे, हम जिससे पूछेंगे वही लोग बतलाओगे, जिसका नाम मुझे पहले दिखाई देगा उसी से पूछूंगा,
तो इससे परेशान नहीं होना है कि आप उसी से पूछ रहे हैं। तो हम इंटीग्रल क्यों कर रहे हैं ये बात आप सोच लो पहले। हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो क्यों नहीं एफ इनटू डीएक्स हमने कर दिया। या यहाँ बी से ए तक का डिस्टेंस पता हो, सपोज ऐसी डिस्टेंस आर है और फोर्स एफ है, तो एफ इंटू आर हम कर देते, टोटल वर्क डन मालूम हो जाता। इंटीग्रल करने की जरूरत क्यों पड़ी बताओगे अभिषेक, अभिषेक यादव? हमें इंटीग्रल करने का मतलब क्या है? इंटीग्रल कब करते हैं वर्क निकालने के लिए? सर जो डीएक्स है वो बहुत स्मॉल अमाउंट का है। तो आप डीएक्स जब स्मॉल अमाउंट का है तो नहीं, सही आंसर नहीं बता रहे हो, दोबारा सोच के बतलाना। नेक्स्ट जो है कि अजय कुमार, अजय कुमार आर यू लिसनिंग मी? नेक्स्ट जो है कि रितेश उपाध्याय, रितेश उपाध्याय नहीं नहीं सुन रहे हो, या तो हो सकता है कि सुन के भी ना सुन रहे हो, पता नहीं। अंगद बतलाओगे इंटीग्रल क्यों करते हैं, कब इंटीग्रल करते हैं वर्क निकालने के लिए? हाँ सर, वीडियो रुक गया सर, मेरा रुका है सर। हाँ हाँ बोलो, बोलू क्या नाम सर? फोर्स वेरिएबल है इसीलिए प्रकृति फोर्स वेरिएबल है इसलिए यहाँ पे करेंगे। हाँ फोर्स वेरिएबल है, सही आंसर है कि जब भी फोर्स वेरिएबल होता है तो उसके कारण वर्क डन जो होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल करके इंटीग्रल करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि कैसे पता चला आपको कि फोर्स वेरिएबल है, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। और जब इस चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट को बी से ए तक लाते हो तो जैसे बी से आगे बढ़ते हो तो यह इस सोर्स चार्ज के पास आते जाता है, तो डिस्टेंस रिड्यूस होता जाएगा, तो फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बात समझ में आया? दैट इज फोर्स यहाँ वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क निकालना है, इसलिए हम स्मॉल वर्क निकाल करके उसका हम इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। तो ये जो है कि आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वर्क डन, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो है कि आपने वर्क डन निकाला, इसी को आप लिख सकते हो कि दिस इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ बी टू ए इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डी एक्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ए से बी की ओर काम कर रहा है और आप मूव करा रहे हो बी से ए की ओर, इसलिए माइनस साइन हमने लिया है। माइनस साइन क्यों लिया? अब आप इसे लिखते कितना हो जाता, एफ डी एक्स कॉस 180 और कॉस 180 की वैल्यू -1, इसलिए माइनस साइन ले रहे हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण अगर वर्क निकालेंगे तो निगेटिव होगा, एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यही वर्क डन सिस्टम में किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब ध्यान दोगे, अगर आप चार्ज पार्टिकल को बी से ए की तरफ लाते हो, जैसे जैसे आप ए की तरफ लाओगे वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा और आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पॉइंट बी की अलग पोटेंशियल एनर्जी है और पॉइंट ए की अलग पोटेंशियल एनर्जी है, तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अगर आप निकालते हो, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डेल्टा यू इज इक्वल टू यहां पॉइंट ए की पोटेंशियल एनर्जी और माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी, दिस इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए। बात समझ में आई? दिस इज इक्वल टू, आप चाहो तो डब्ल्यू बी ए की वैल्यू, इंटीग्रल ऑफ एफ एफ एक्सटर्नल डी एक्स, या ये वैल्यू आप लिख सकते हो, लिख सकते थे दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम बी टू ए ऑफ एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स, और दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते थे कि दिस इज इक्वल टू या वैल्यू। तो ये जो है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस रहा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, हर पॉइंट की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहां से यहां तक की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू दिस। अब
जो पोटेंशियल एनर्जी आया है यह पर्टिकुलर चार्ज के लिए रहा। अगर यूनिट पॉजिटिव केस चार्ज के लिए आप एनर्जी निकालते हो, दिस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस फॉर यूनिट पॉजिटिव केस चार्ज इज नोन पोटेंशियल डिफरेंस। यही एनर्जी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर आप निकालते हो तो यह क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को बतलाएगा। ध्यान से सुनोगे, एक बार और हम यहाँ पे बतला रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को बतला रहा है ना, बात समझ में आया ना। किसी चार्ज पार्टिकल को कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट एक्सेलरेशन ले जाने में किया गया वर्क डन सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया और ये एनर्जी डिफरेंस रहा। और दिस एनर्जी डिफरेंस फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा, दिस विल रिप्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो थोड़ा सा हम इसे मिटा रहे हैं यहाँ पे, तो मिटा देना इसे, थोड़ा सा ध्यान दोगे आप, मिटा रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये माइनस वीबी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दिस इज इक्वल, ये जो है कि पोटेंशियल डिफरेंस को बतलाएगा। अभी हम इसका डेफिनेशन बतला रहे हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल डिफरेंस को बतला रहा। पोटेंशियल डिफरेंस को आप चाहो तो डेल्टा भी आप लेकर के चल सकते हो, तो डेल्टा भी इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन Q नॉट। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज इक्वल टू नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम चार्ज B टू A डिवाइडेड बाई पर्टिकुलर चार्ज, सिटी चार्ज को हम करा रहे थे वह चार्ज, चार्ज की वैल्यू है। अब आप ध्यान दोगे, क्या आप वीबी माइनस वीए भी लिख सकते थे? आंसर है नहीं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तब ना डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फाइनल माइनस इनिशियल। इसीलिए आप देखे थे कि यह पॉइंट बी लिया गया था, इधर पॉइंट ए लिया गया था, तो क्या हो जाएगा, फाइनल ए है ना, इसलिए हमने VA माइनस VB लेकर के चला। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, इसके डेफिनेशन को बतलाते हैं, सारी बातों को छोटे से दो लाइन में हम इसे बतलाते हैं, आप इसे ध्यान से सुनोगे समझोगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ पाथ फॉलोड इज नोन पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया, एक बार और इसे समझाएं। यस सर, इसे समझा रहे हैं अपने से आप लिखोगे, एक बार और इसे बतला रहे हैं, ध्यान दोगे। किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, जबकि कंडीशन क्या है, दिस वर्क डन विदाउट एक्सेलरेशन हो, चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाए तो बहुत ही स्लोली मूव कर रहा हो, उस पर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो, यानी कि विदाउट एक्सेलरेशन मूव करे। और सेकंड कंडीशन क्या है कि दिस वर्क डन शुड बी इरेस्पेक्टिव ऑफ पाथ फॉलोड, दैट इज दिस फोर्स, दिस वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, नेचर ऑफ पाथ फॉलोड, दैट इज दिस वर्क डन विल बी ड्यू टू आर अगेंस्ट कौन सी फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गया ना, अब आप ध्यान दोगे सर जो आप लास्ट लाइन इसमें ऐड किए हैं कि जो हम फोर्स लगाएंगे वो कंजर्वेटिव होनी चाहिए, मतलब फोर्स एक्सटर्नल जो हम लोग लगाएंगे वो कंजर्वेटिव होनी चाहिए। नहीं, हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वह उतना ही है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स को काउंटर कर पा रहा है,
उससे ज्यादा फोर्स हमें नहीं लगाना है। अब उससे ज्यादा अगर फोर्स लगाओगे तो वो एक्सेलरेटेड मोशन करने लगेगा। जैसे कि यह चार्ज पार्टिकल है, इधर इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है और इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स काम कर रही है। अगर दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे तब नेट फोर्स की वैल्यू इस पे कितना होगा? जीरो। और जब जीरो हो गया तो यह जो फोर्स है किसके बराबर है? इसी के ना बराबर है। दैट इज आप जो है कि इसी के अगेंस्ट काम करा रहे हो। अगर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो जाएगा तब इधर एक्सेलरेशन होने लगेगा और इस पे इसके अलावा भी इस फोर्स के कारण वर्क होने लगेगा और इसके कारण तो वर्क डन एनर्जी स्टोर नहीं कराएगा। तो उसका कैलकुलेशन हमें नहीं करना है, हमें एनर्जी की ही बात करना है। इसलिए दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स। बस समझ में आ रही है सर? चले नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, ये कुछ समझ में आया कि नहीं बतलाओगे? पहले आप लोगों का थोड़ा सा रिस्पॉन्स ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। बोलोगे आप लोग, ये समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। तो चलते हैं अगली पॉइंट। इसका डेफिनेशन तो लिख लोगे ना आप लोग? समझ में आ गया ना डेफिनेशन? अब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम देखेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कितना टाइम है, उसके अकॉर्डिंग हम ये करेंगे। टाइम है ना 10-15 मिनट? मुझे टाइम नहीं दिख रहा है, कितना टाइम है पता नहीं चल रहा। 6 मिनट बाकी है सर। ठीक है, तो हम पोटेंशियल कंप्लीट कराते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आप ध्यान दोगे कि ये जो है कि पोटेंशियल डिफरेंस को बतला रहा। यहां आपने एक सोर्स चार्ज लिया था कैपिटल क्यू और ये जो है कि पॉइंट बी था, यहां पॉइंट आपने ए लिया था, ये आप टेस चार्ज क्यू नॉट लेकर के चल रहे थे। अगर यह अब ये जो है कि किसी तरीके से ये पोटेंशियल डिफरेंस को बतला रहा, अगर वीबी की वैल्यू जीरो हो जाए, वीबी अगर जीरो हो जाए तब जो है कि ये पोटेंशियल बतलाने लगेगा पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट बी है, यह पॉइंट बी कहां पर है? इनफाइनाइट। और इनफिनिटी किसी चार्ज के कारण इनफाइनाइट पे पोटेंशियल की वैल्यू हम जीरो लेकर के चलते हैं। जीरो। तो यही इक्वेशन जो है कि हो जाएगा VA माइनस वी इनफिनिटी इज इक्वल टू डब्लू। ये वर्क डन था B से A तक लाने में वर्क डन, और ये कहां से हो जाएगा? इनफिनिटी टू A तक लाने में वर्क डन और Q नॉट। और वी इनफिनिटी की वैल्यू कितना? वी इनफिनिटी की वैल्यू जीरो। तो दिस इज इक्वल टू VA इज इक्वल टू VA या V इज इक्वल टू VA इज इक्वल टू W इनफिनिटी A अपॉन Q नॉट। ये जो है कि पोटेंशियल को बतलाएगा। तो पोटेंशियल को आप कैसे डिफाइन करोगे कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से, ध्यान देना है थोड़ा सा बस अंतर है, इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, फिर वहां पे भी यहां पर भी वही दो कंडीशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ पाथ फॉलोड हो और विदाउट एक्सेलरेशन हो, तो यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ पाथ फॉलोड इज नोन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। बस समझ में आ रही है? लेकिन फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाते हैं, तब वर्क डन पर यूनिट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ पाथ फॉलोड इज नोन पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? अब मेन पॉइंट्स बाकी रह गया, इन दोनों के बारे में बतलाना। हमें इसका यूनिट बतलाना है, डायमेंशन बतलाना है, इसकी करेक्टरिस्टिक बतलाना है और फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पढ़ने का मतलब क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये तीनों चारों बातें हम बतला रहे हैं। अगर अभी टाइम ओवर हो रहा है तो हम आगे 10 मिनट का टाइम लेंगे, फिर जो है कि कोई मैसेज जाएगा और आप जो है कि
देख लोगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 10 मिनट का और टाइम लेंगे। तो ये यहां तक हो गया ना कंप्लीट, ये समझ में आया ना दोनों बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ध्यान दोगे, मुझे लग रहा है मैं नहीं स्टार्ट कर पा रहा हूँ आगे, कारण कि जैसे स्टार्ट करूंगा टाइम ओवर हो जाएगा, तो रहने दें। यस सर, आप एंड करके दूसरा मैसेज भिजवा दीजिए सर। हाँ दूसरा और सुनोगे आप लोग, अगर दूसरे सर आ गए होंगे तो शायद अगर टाइमिंग की प्रॉब्लम होगी तो नहीं भेज पाएंगे, नहीं तो टाइमिंग की नहीं प्रॉब्लम होगी तो कम से कम 10 मिनट जरूर लेना चाहेंगे कि ये कंप्लीट करा दें हम। तो कंप्लीट इसे एंड करें ना। यस सर, करते हैं। हिमांशु सर, हिमांशु का यस सर, सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। कौन कौन सी टॉपिक हमने पढ़ा आज सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो कंजर्वेटिव फोर्स को, कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल बतलाओगे सर? जैसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को सर जब हम ऊपर लेकर जाते हैं तो वो जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट बताओगे शांतनु सिंह? शांतनु सिंह सुन पा रहे हो मुझे सर? व्हाट इज एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? एक्सेलरेटेड मोशन। वन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सर? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, बहुत सही। लेकिन बहुत ज्यादा फ्रिक्शन तुम्हारे पास है, बोलते बोलते जो है कि ज्यादा देर लगा दिए। तो चलते हैं आगे। विशाल गुप्ता, विशाल गुप्ता, विशाल गुप्ता। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नहीं बोल रहे हो, ये मत कहना कि वीडियो पॉज हो गया था, नेटवर्किंग प्रॉब्लम। तुम लोग बड़ा झूठ बोलते हो ऑनलाइन। जूल जूल होगा, सही है।